लोकल राजधानी खालसा किले के इतिहास को लेकर यमुनानगर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस मुख्य तौर पर लोकल ट्रस्ट के चेयरमैन गुरविंदर सिंह, चटिका ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परमवीर सिंह, अमेरिका तो आए हुए गुरु भक्त सिंह वर्ग, गुरु नानक संस्थान के जनरल सकत्तर हरजिंदर सिंह ने शिरकत की। बैठक में लोकल राजधानी खालसा किले इतिहास को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मौजूद लोकगढ़ के चेयरमैन गुरविंदर सिंह ने दसा कि साड़ी टीम गुरुआ के इतिहास न जुड़ी इस विरासत को लेकर काफी समय तो खोज कर रही है। उन्होंने दसा कि लोकगढ़ नामक एक शहर से जो कि लगभग 7200 एकड़ फैलिया होया है, जिसनों मुगलों द्वारा मलियामेट करता गया। उन्होंने इस खोज तो प्रेरित होकर होर संस्थावां विच भाग लै रही है। इस मौके पर चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की शख्सियत का वर्णन करते हुए दसिया कि मुगलों ने फौज को ला लैके बाबा बंदा सिंह बहादुर के उन्होंने अनुयायियों से हमला करता, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दृढ़ता की जो मिसाल पेश की वह संसार के इतिहास चो मिलनी मुश्किल है। इस दौरान गगनदीप सिंह ने किले के प्रोजैक्ट के बारे दसिया और कुछ इतिहासिक तस्वीर भी दिखाई। इन तस्वीरों में उची उची दीवारा, मोर्चे, तोपखाने, खूह, बारूद कुटन के बर्तन, छोटी बड़ी इटा आदि आज भी उसी तरह मौजूद।